वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों के ब्रेन में कैंसर हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि ब्रेन में कैंसर के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जाँचों को करा कर अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन में कैंसर के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसे समझकर आप अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर सही इलाज कराकर अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। जी का मिचलाना या उल्टी के साथ सिर में तेज दर्द का होना, जो सुबह या कुछ स्थितियों या गतिविधियों के दौरान अधिक गंभीर भी हो सकता है। दौरों का पड़ना या मिर्गी का आना, थकान का रहना, मांसपेशियों में ऐठन का होना, हाथ या पैरों में कमजोरी या सुन्न का रहना, देखने सुनने और बोलने में दिक्कत का होना, चलने में कठिनाई और चक्कर का आना, मानसिक क्षमता में कमी या याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, शरीर का संतुलन बनाए रखने में दिक्कत होना, व्यवहारिक और सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन आ जाना और भाइयों डिप्रेशन का हो जाना। तो भाइयों, ब्रेन में कैंसर के हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपको यह लक्षण है तो आपको तुरंत ही ब्रेन का MRI स्कैन करा लेना चाहिए। भाइयों, अगर आपको कैंसर की शिकायत आती है तो आप अच्छे कैंसर अस्पताल में ही अपना इलाज कराएं, उल्टा सीधा इलाज बिल्कुल भी ना कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।